अस्सलाम वालेकुम जी, मैं तुहाडा दोस्त आसुलेमान। तुसी देख रहे हो जनाब यूट्यूब चैनल कबूतर जिंद जान पाकिस्तान। सारे दोस्त इन्हू लाइक करो, सबसक्राइब करो, तो अगे दोस्तों नाल शेयर करो। तो मैं इस टाइम मौजूद हाँ जी धर्मपुरे आया जी। जबैर साहब ने कसूर तो, उस्ताद जबैर साहब ने मूवी बनाई मेरे नाल, जिहड़े रिंगा के बारे च सारी उन्होंने सूरत हाल दसी, स्कैच बना के मुल्तान चाह बह के मूवी बनाई। तो जनाब स्कैच बनाए उन्हें, बहुत ही प्यारे स्कैच बनाए। फिर उन्हें दोस्तों के असी काफ़ी, बल्कि पूरी दुनिया के सवाल रखा सी कि यार कबूतर च किनिया नस्लां होंदियां ने, ठीक है। और ये मेरी मशावरत ना और भाई जबैर दी और उस्ताद जैदी दी मशावरत ना ही सवाल रखा गया सी दुनिया के। और ये अज तक किसी ने सवाल किसी ना नहीं सी कीता। जिहड़ा असी सवाल किया वो ये किया कि यार पूरी दुनिया ते किनियां नस्लां ने, हूमर पालो सारे कबूतर टोटल जिन्नियां नस्लां ने, गुब्बारे भी बहुत सारिया नस्लां इहदे च आंदियां ने। और एक इन्हां दा कोई शागिर्द हैगा, पता नहीं किहड़ा हैगा वे, ते उहदा नां दसणगे खुद जबैर भाई। ते उहने जवाब दिता तकरीबन 750-800 नस्ल दा उहने दस्सिया, लेकिन असी ते उहनूं देणा है। वेखो असी ते उहनूं देवांगे जिहदा हक बनदा। फिर इत्थे ना राजा कामरान साहब ने बाहर दे मुल्क यूरोप च होंदे ने, उन्हें सही सवाल दिता, सवाल का जवाब दिता और तकरीबन 1000+ उन्हें नस्ल दसी, ठीक है। उन्हें गिण के भी दसियां, बल्कि सानू कागज़ भेजा ही, लेकिन अपना व्हाट्सएप भेजा ही, वो अगे पिछे कोई डिलीट हो गया साढ़े को। तो उन्होंने फिर इत्थे भाई ने छानी भाई ने धर्मपुरे च, फिर उन्होंने जबैर साहब कसूरों तुर के उतों आए ने जी। इन्हों ना वो समझो कि गिफ्ट देन, दो बच्चे इन्हें कहा सी जिहड़ा मूवी च वो गिफ्ट करने सन, वो इन्हें करने ने गिफ्ट करने ने। हुण तुहानूं कबूतर बच्चे भी दिखाने, एक टैडी है ते एक कमगर है, ठीक है। दो बच्चे ने वो गिफ्ट करनगे। और फिर यकीन करो कि बहुत बेहतरीन मज़ा आया, दोस्तों ने बहुत सारे ने कमेंट्स किए ने। और इन्हें मूवी जिहड़ी स्कैच ते बनाई है, मैं कहना अखीर कर दिता यार, इलम वंडिया इन्हें, इलम वंडिया। तो बड़ा मज़ा आया दोस्तों, इन जी असी मुश्किल तो मुश्किल सवाल ढे अगे फिर रखांगे, तो जिहड़ा कोई जवाब देगा उन जी ये होएगा। और जैनवन हकीकत है मबनी प्रोग्राम है, और हकीकत जिहड़ा ये कोई लकी कमेटी नहीं हैगी कि जिदी निकले उन्होंने नहीं देनी, रिश्तेदार नूं दे देनी है। ये जनाब जिहदा हक बनेगा असी उन्हूं ही देंगे। और ये नहीं है कि बई वो हुण शागिर्द इन्हां दा 750-800 कह रहा ही है कि ना वोदा नहीं बनता। जिन्हें देखो अथेंटिक जवाब दिता वह बनता हक। तो और फिर इन्हें ये खुद वेखो कसूरों टुरे ने, और कितने लाहौर जनाब बच्चे देने आए ने। और बाकी गल्लां इन्हां नाल करने जबैर भाई ना, छानी भाई ना, बाकी इन्हों को पुछने पछाने की सूरत हाल है जी। जी अस्सलाम वालेकुम जबैर भाई। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह वरकातहू जी। भाई सुलेमान की हाल है, ठीक जी? अल्लाह ही अल्लाह वधिया, तुसी सुनाओ ठीक हो राजी हो? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी सब। मैं कहा अज लाहौर तुसी स्पेशल आए हो बच्चे लै के। भाजी देखो एडा वड्डा सवाल कीता तुसी जी, मैं रल के जी तां उसे मूवी बनाई, अख दी पर दी हड्डी दी जोड़ दी है जी, सब कुछ वीडियो बनाई। तो सवाल असी रखिया सी कि फैंसी कबूतर किन्ने ने, मतलब ऑल पाकिस्तान दे जिन्ने भी कबूतर ने उहनां दी नस्लां किन्नियां ने, उहनां दी नस्लां किन्नियां, दो फ्लायर हाई फ्लायर फैंसी डेकोर जवाब दिता जी, साजिद 350 से लेके 450 से लेके 700 तक नस्ल प्लस कबूतर जो आएगा पाकिस्तान तो को 5-10 जोड़े ले लेगा, कोई ऐसी गल नहीं है। खैर है उस तो अच्छा जवाब एक बंदा ने दिता है, राजा कामरान साहब वो उर्दू में बात करें यार, पंजाबी को छोड़े आप, जितनी पंजाबी बोली उतनी बहुत है। ओके, उर्दू में लोगों को समझ ज्यादा लगती है। ओके ओके भाई, बात ऐसे है की राजा कामरान साहब होते हैं आईलैंड में, उन्होंने जवाब दिया है की जुबैर भाई आपकी काविश का आई लव यू, और आप मैं आपको आपके सवाल का जवाब ये दे रहा हूँ कि आप जितनी नस्लें आपने पूछी है ना वो 1000+ हैं। वेरी गुड, वो आपका अथेंटिक जवाब है, आपका बिल्कुल सही जवाब है। जो आपने नंबर दिया था शानी भाई का जी, वो शानी भाई से हमने रब्ता पूछा है, रब्ता लेके आज आपके घर माशाल्लाह आ गए हम जी, तो आपको दो बच्चे गिफ्ट कर रहे हैं जी। ये शानी भाई हैं, ये शानी भाई हैं जी, ये कामरान भाई के भाई हैं छोटे
अस्सलामुअलैकुम चानी। वालेकुम सलाम। अस्सलामुअलैकुम सारे मेरा भरावान जी। मेहरबानी चानी भाई साहब, मेरी पहली भी मुलाकात है, क्योंकि ये समझे मेरे इलाके का ही है चानी भाई। ये दोस्त ये ना समझे कि मैंने इसको कहा था, लेकिन जवाब दिया राजा कामरान साहब ने। ये छानी तो समझे हमारा शिगिर्द है, उस्ताद सनाउल्लाह हाशमी साहब का शिगिर्द है। ये तो समझे अपना छोटा भाई है, बच्चा है, बेटा है हमारा, भतीजा है। लेकिन ये ना दोस्तों समझना कि मैंने नहीं, इससे चाहे हलफ ले लो, इससे चाहे हलफ ले लो, हमने कुछ नहीं इसको बताया, और ना ही हम फेक मूवी बनाते हैं, और ना ही कोई ज़रूरत है। ये ना समझना दोस्त कि छानी तो इनका अपना है। नहीं दोस्तों, ऐसे नहीं है, है सही अपना हमारा। ऐसी बात नहीं है, आपका अपना होगा, पर मैं खुदा को हाजर नाजर जान के ये बात कहता हूँ कि भाई सुलेमान ने कभी इनके बारे में मेरे साथ जिक्र नहीं किया। आज मैंने जब आपने बोला ना वहाँ जाना, मैंने आपको बताया कि ये शानी भाई से बात कर लें, ये एड्रेस पूछ लें, उनके घर हमने जाना है, दो बच्चे देने। जब आपने उनसे बात किया तो फिर आपने एक दूसरे को पहचाना कि आपने कहा यार ये तो हमारा शिगिर्द है, दोस्त है। ऐसे ही है, देख लें फिर कड़ियाँ कड़ियाँ कैसे मिल जाती हैं, कड़ियाँ से कड़ी कैसे मिली है। और कबूतर बात है ना, सभी फिर एक जैसे ही वो चाहे इधर से उधर से घूम के फिर वहीं आए। सुलेमान भैया आप ये देखें कि आपने सवाल कितनी दफा किया है। बिल्कुल सवाल किया पर किसी ने जवाब नहीं दिया। नहीं दिया। आप फ्री ना राजा भाई पे जी, राजा कामरान भाई आपको, आप दोनों हाथों से सलाम है आपको। वेरी गुड। ये बहुत बड़ा सवाल था, बहुत बड़ा, अभी तक नहीं मिला था। और आपने तो चार दिनों में ऐसे दे दिया, ऐसे 1000 से प्लस नस्लें, आपकी बात ऑथेंटिक है, 1000 से प्लस नस्लें, ये आपका जवाब बिल्कुल ठीक है, परफेक्ट है। और सारे मेरे दोस्त यूट्यूबर समझ लें कि आज तक ये किसी ने सवाल किया ही नहीं किसी से, आज तक किसी के जेहन में नहीं। मैं तो ये कहता था कि यार इतने बड़े बड़े उस्ताद हैं जनाब, हार डाल दो, ये कर लो, वो कर लो, तो यार मेरे सवाल का कोई जवाब तो दे। लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह राजा कामरान साहब को मैं सलूट करता हूँ, उन्होंने ऑथेंटिक जवाब दिया है, और जिसको हम मानते हैं तीनों, क्योंकि हमारा एक ग्रुप है, मेरा और अपना जुबैर भाई का और जैदी भाई का। जैदी भाई ने भी जवाब दिया था कि जुबैर 1000 से प्लस हैं। वैसे मुल्तान में जवाब दिया था जी, बिल्कुल। मैंने भी आपको कहा था कि 1000 से प्लस हैं। बिल्कुल, तो आपने मुझे कहा कि आपने बताना नहीं है, देखते हैं कि दुनिया को पता है कि नहीं पता। बिल्कुल, ये मैंने सवार रखा था। हाँ जी, वहाँ बैठ गए, ये कलमा चौक। हाँ जी, कलमा चौक, कलमा चौक बैठ के सवार रखा था, लेकिन मैंने कहा यार इसका जवाब आप ना देना कोई भी, हम दूसरे दोस्तों को देखते हैं ना कौन यार इसमें सख्त रखता है, पावर रखता है, कि जिसको कबूतरबाजी का पता है। जी जुबैर भाई आगे चले। आगे क्या चल रहे हैं, इनके लिए बच्चे लेके आए, वो आपको बच्चे दिखाते हैं जी। ठीक है, तो सबसे पहले तो छानी भाई से जो है ना, सबसे बड़ी बात ये है कि पूरे मेरे ख्याल से पाकिस्तान में ऐसा सवाल कभी किसी ने किया ही नहीं था। किया ही नहीं है, पहली बात तो ये है जी। चले माशाल्लाह सादर मोहतरम ने सवाल भी किया, और ये खुद वहाँ से चल के आए जी, जी कसूर से बच्चे गिफ्ट करने के लिए। ये सबसे बड़ी बात है जी, कि शो को जो है ना मजीद बढ़ाने की कोशिश प्रमोट कर रहे हैं। बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात है कि जो इन्होंने वीडियो लगाई है, मेरी तरफ से सलूट है जी, मेरी पूरी टीम की तरफ से, और मैं कहता हूँ जो जो हमारे शौकीन भाई है ना उनकी तरफ से इन्हें सलूट है जी। इन्होंने तो हर चीज जो है ना खोल के रख दी है, ऐसे तो अभी भी कोई ना सीख सके तो फिर अल्लाह ही हाफिज, अल्लाह ही हाफिज, अभी भी ना सीख सके तो फिर अल्लाह ही हाफिज, इससे आगे कुछ नहीं है। बिल्कुल सही है, इसके ऊपर भी 200 अंधेरा है, इसके नीचे भी अंधेरा है। इतनी पॉइंट्स, 10 रिंग, 12 रिंग मैंने आपको आंखों में बताए, गड्डी कैसे होनी चाहिए, जोड़ कैसा होना चाहिए, पर कैसे होने चाहिए, दुम कैसी होनी चाहिए, जोड़ में थोड़ा सा वाया इतना सा होना चाहिए, इतना ऐसा भी जोड़ नहीं होना चाहिए। सही है, ऐसे होगा तो कबूतर जो होगा वो बच्चे गिराएगा। बिल्कुल सही, ठीक है, क्योंकि ऐसे ऐसे रड़क खाएगा ना, ऐसे ऐसे, बिल्कुल ऐसे ऐसे रड़क खाएगा जी, इतना सा खिला होगा तो रड़क नहीं खाएगा, ऐसे ऐसे चलता रहेगा। बिल्कुल सही, दोस्तों इतनी अच्छी वीडियो बनाई है अल्लाह के हुक्म से, खुदा को हाजिर नाजिर जान के हम आपसे बात कर रहे हैं कि ये इतने पॉइंट्स, इतनी बातें कोई भी दोस्त नहीं बता सकता, क्योंकि लोगों की इधर दुकानदारी बंद हो जाती है, बंद हो जाती है, असल बात ही, क्योंकि आँख के बारे में अगर सारी कुछ हम आपको बता दें, लोग अगर उसार बता दें, तो उस्तादों से फिर आप कबूतर तो नहीं ले सकते ना। ऐसे ही है, बिल्कुल सही, मुझे कोई लालच नहीं है, लालच मैं लालच के बगैर हूँ। बिल्कुल, मैं जोड़े भी लगाता हूँ तो फीस भी ले ला, वेरी गुड, अपने खर्चे पे जाता हूँ, किसी से खर्चा भी नहीं लेता, भाई सुलेमान के पैसे लेता हूँ वीडियो बनाने के, या उनके तेल पानी के पैसे लेता हूँ, और मैं पैसे 1 रुपया भी हराम है मेरे पे मैं लेता हूँ, वो भी इतने ज्यादा नहीं है, ये भी बता दे जरा ना, वो इतने ज्यादा नहीं है, 5000 की वीडियो का है,
अगर ज्यादा दूर का सफर है तो 10-15 हजार का जो तेल लगना है वो 20-25 हजार रुपए उन्होंने लेना है। मैं फीस भी लूं, मेरा टाइम फीस भी लूं आप दोस्तों के लिए। वेरी गुड। बात ये कि अब भी अगर आप कबूतरबाजी ना सीख सके तो फिर आप सबका अल्लाह हाफिज़ है। सबका अल्लाह हाफिज़ है। देखें, मैंने पहले भी कहा था कि मैं वीडियो बनाता हूँ आपका खैर खा हूँ, वीडियो बनाता हूँ आपके शौक के लिए, आपका शौक बढ़े। ऐसे ही है, आपको मुझे बुलाने की जरूरत ही ना पड़े। आप मेरी वीडियो देखें, जैसे मैंने बताया वैसे आप जोड़े लगा लें, वैसे कबूतर की परख कर लें, आपको पता पड़ जाएगा ब्रीडर कौन सा है, परवाजी कौन सा है, जोड़े वाला कौन सा है, जोड़े वाला कौन सा नहीं, ये सारी आपको पता पड़ जाएगा। फिर भी आपको पता नहीं चलता हमें बुला लें आप, हम आपको सीधे कर देते हैं। आपकी मेहरबानी है, गलत कमेंट्स मुझे ना किया करें। मैं इंशाल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से आपका खैर खा बंदा हूँ। एक दोस्त ने मैसेज किया, ये जो आँख वाली वीडियो है इसमें मुझे एक दोस्त ने मैसेज किया कि अल्लाह ताला आपको जिंदगी सेहत दे जुबैर भाई, ऐसी बात कोई भी नहीं बताता, बहुत से लोग आप पे तंज करेंगे, तो आपने घबराना नहीं, आपने घबराना नहीं, आपने बिल्कुल नहीं घबराना। लोग बीच में होते हैं ऐसे जो तंज टकोरे करते हैं, कहते हैं जी फजूल वीडियो है, फलानी वीडियो है, ये गलत बात करते हैं। क्यों? कि लोगों का दिमाग में इंतशार पैदा करने के लिए, लोगों का दिमाग उलटाने के लिए ये ऐसे काम गलत करते हैं। ये दोबारा ना बनाए, दिल तोड़ते हैं अगले बंदे का। तो दोस्तों, आप जो भी सवाल मेरे से पूछेंगे अल्लाह के हुक्म से आपको परफेक्टली जवाब आएगा उसी टाइम। ये नहीं होगा कि मैं कोई किताब खोलूंगा उसमें देखूंगा कि यार ये, अभी एक भाई ने सवाल भी किया था ना वीडियो में कि बहर के चार पर बराबर, भाई जिसके बहर के चार पर बराबर हैं वो भी कमाल कबूतर है, 10वां, 9वां, 8वां और 7वां जिसके चारों बराबर हैं वो भी कमाल कबूतर है, ब्रीडर भी है और कमाल भी है, सबसे अच्छे पर ही होते हैं ये दो, ये तीन, ये देखें, ये तीन बार होते हैं सबसे अच्छे, ये देखें, ये 10वां, ये 9वां और ये 8वां, ये तीन बार जिस कबूतर के ये पर होंगे ना वो कबूतर होगा 200 ब्रीडर, हड्डी पूरी, जोड़ तंग, एक पत्ता दुम, आंख पूरी, चुंज पूरी, हर चीज उसकी पूरी होगी, परफेक्टली होगी। बिल्कुल सही। तो ये सारी बात है। अब शानी भाई से अच्छा जी जी, हाल ही 200 नाना सीखो तो फिर अल्लाह ही हाफिज़। पहली गल तो यही है कि फीस भी लल्ला, जो कोई भी चाहे इंसान किसी नूं दसदा ना तो अल्लाह पाक उहदे बड़े दा ताफ फरमांदे। ओ यार दम कराओ किसे को, फीस भी लला जेड़ा करदा ओदा जेड़ी ताडी वीडियो ते पैसे नहीं आ कोई, ओ इना कदे बंदा नहीं, दूर जाओ, पूरा इंसान कांदे लिए मेहनत करदा, अपने बाल बच्चे भी पाल लेने, होर सौ खड़ा जा तो उंदे ने, होर कई ऐसे दुनिया दे मामला होंदे जेड़े इंसान ने करने होंदे, हर बंदा वेला बैठ के वीडियो ते नहीं बनांदा, आ खाली वीडियो दे काम ते नहीं ना सारा दमदार ते नहीं है, बड़ा वीडियो अगर बनांदे हो ते माशाल्लाह ताडे दोस्तां नूं अच्छे एहो दीआं अच्छी अच्छी गल्लां कौन दसदा, मेरे हिसाब ते अज तक किसी ने नहीं दसी होनी है, पूरी मैं कहना हिस्ट्री खोल के रखती। बिल्कुल सही, इंशाल्लाह बाद भाई आए ने पर्दा रखिया किसे चीज ते, पर्दा कोई नहीं दोस्तों किसे चीज ते भी रखिया, और हर चीज समझो वाजिया करके दस छड़ी है, इत्थे होना चाहिए ए तेज पर आ, स्लो पर आवे, आ जोड़ इंज होना चाहिए, अख दे रिंग इंज ने, हर चीज ते दस दित्ती है। और मेरे ख्याल ना कबूतरबाजी जेड़ा ये बंदा एक मूवी है पिछली देख लेंदा ना स्केच वाली, मेरे ख्याल से उन्हों अद्धी तो ज्यादा कबूतरबाजी उदे देंच भाई। सुलेमान जेड़ा बंदा, जो बंदा अनपढ़ भी होगा ना, अनपढ़ से मुराद जिसको कुछ भी नहीं पता, नहीं पता। जी। वो भी अगर वीडियो देख लेगा ना उसको पता चल जाएगा कि आँख में कितनी चीजें होती है, ठीक है, पर में क्वालिटी क्या है, बारीक पर किसको कहते हैं, चौड़ा पर किसको कहते हैं, जोड़ा कहाँ पे लगता है, जोड़ा कहाँ पर लगता है, जोड़ा 97-98 पे नहीं लगता, मेरी बात को समझे, जोड़ा 97-98 पे नहीं लगता, बात मेरी समझे, जोड़ा लगता है 100/100 पे, 100/100 100 अगर परसेंट ना रहे तो 110% मादा होनी चाहिए, अगर 110% ना रहे तो 100% मादा होनी चाहिए, ऐसे जोड़ा लगता है और पूरी प्योरिटी में लगता है। दोस्तों जब आप प्योर जोड़ा लगाएंगे ना तो रिंग भी मोटे मोटे आएंगे, मोटे मोटे आएंगे। यार ये मैं आपको बड़ा मानता हूँ जुबैर भाई, आपकी माधुर बात काट रहा हूँ, जो आप जो लगाते हैं ना प्योरिटी में, हालांकि
हम जो है ना हम नहीं देखते, मैं सीधी बंदा किसी की क्यों बात करे, अपनी बात कर रहा हूँ कि हम नहीं देखते रिंग ये वो। हम कहते हैं यार क्रॉस में जोड़ा लगाओ बच्चे ज़्यादा उड़ेंगे, बच्चे तो ज़्यादा ही उड़ेंगे चले ठीक है, लेकिन जो आप प्योरिटी में कलर बनाते हैं ना, मैं इनको मान गया आपको, जो कलर आप बना रहे हैं टैडी के साथ टैडी लगा रहे हैं, कमकर के साथ कमकर लगा रहे हैं, बटेरे के साथ बटेरा लगा रहे हैं, ब्रीडर भी नस्ल खराब नहीं, वो कलर खराब नहीं, बिल्कुल आगे कबूतरबाजी को अच्छा फरोख मिलेगा। ये बात है, देखिए सुलेमान भाई अगर मैं प्योर लगा रहा हूँ, अगर प्योर कबूतर आपके ना उड़े तो मुझे आप सजा दें, अगर आपके प्योर ना उड़े तो बड़ी बात, अगर आपके प्योर शाम को बैठे तो क्रॉस का आपने चार डाल लें, बिल्कुल सही बात है। लोग अगर ये सोचे कि हम प्योर उड़ाएंगे लोग पकड़ लेंगे, क्यों पकड़ लेंगे, प्योर जाता ही नहीं कहीं पे, जाता ही नहीं कहीं, इतना बड़ा रखे इतना बड़ा, अगर कबूतरबाजी करनी है ना तो दिल बड़ा रखो, नहीं करनी तो छोड़ दो कबूतरबाजी, छोड़ दो अगर दिल बड़ा नहीं है, बिल्कुल दिल बड़ा रखे कबूतरबाजी करें और प्योर प्योर कबूतर उड़ाए, आप इज्जत से बढ़ के कोई चीज नहीं है, इज्जत से बढ़ के कोई चीज नहीं है, बंदे की इज्जत लगी होती है, पैसों की बात नहीं है, बाजी लगी होती है ना, 5,000 की एक मिठाई के डब्बे पे बाजी लग जाती है, इज्जत बेसिक का मसला होता है, वो हमारी इज्जत साल लगी होती है, परिंदों के साथ हमारी इज्जत जुड़ी होती है, बिल्कुल सही, मिठाई का डब्बा कोई अहमियत नहीं, पैसे कोई अहमियत नहीं, सिर्फ इज्जत हमारी सबसे मेनवर चीज है, इज्जत इंसान बड़ी मुश्किल से कमाता है और उसको गुम करने में एक सेकंड भी नहीं लगता, गुम हो जाती है, वैसे ही है, इज्जत बनाने में टाइम लगता है, गुमाने में एक सेकंड भी नहीं लगता, ठीक ठीक, तो मैं कहता हूँ कि इज्जत से बढ़ के कोई चीज नहीं है 200 दुनिया में, इज्जत है तो सब कुछ है, इज्जत नहीं तो कुछ भी नहीं। तो यार ये जो आप इतने कबूतर जहाँ जहाँ कोई कहता है वहाँ जाके जोड़े लगाते हैं, देखें आप इतना टाइम सर्व करते हैं अपना, यार मेरा शौक है, वही मेरा जुनून की हद तक शौक है, आए, आए, मुझे पैसे मेरी तो मिकलो रोड पे शौक है, माशाल्लाह अल्लाह ताला का शुक्र है, मेरे पास तीन, एक मेरा वहाँ पे छोटा भाई है इमरान है, एक खादिम है, एक अयूब है, तीन लड़के माशाल्लाह काम कर रहे हैं, उन्हें आज भाई का मेरा खत्म भी था, मेरा जो भाई कत्ल हुआ था उसका खत्म भी था, उसका खत्म है शाम को 4 बजे, तो मैंने कहा यार ये भी काम करना जरूरी है, तो ये दे के आए तो शाम को खत्म भी अटेंड करना है, ठीक मैं हो नहीं गया, मतलब एक तीर से दो शिकार मैंने कर ली है, चले काम कर दिया है और अपने भाई का खत्म भी मैं अटेंड कर लूंगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह, क्योंकि वापस चले जाएंगे, हमने भी दो शिकार करने हैं, आपने भी किए हैं, बच्चों के शौक करवाएं जो बच्चे, मैं चलिए भाई आप बैठे, आप बैठे मैं देता हूँ, क्योंकि ये बच्चों का लाजमी शौक करवाना चाहिए, ये ले जुबैर भाई, ये जी इनकी तरफ से गिफ्ट उनको देना जी, गिफ्ट तो उनको दे, ऊपर ऊपर उठा के जरा, लो जी मैं आपको देता हूँ, ये ले जी एक सेकंड जुबैर भाई, एक मिनट यार एक मिनट, ये ले दोस्तों, ये जी गिफ्ट है शानी भाई को मेरा जी, कामरान भाई ने जवाब दिया और शानी भाई इनके भाई हैं जी, जी वेरी गुड वेरी गुड, मोहब्बत का शुक्रिया, जब शो करवाएंगे फिर आंख का जरा मैं दिखा दूंगा, पाकिस्तान में पहला सवाल का जवाब जिन्होंने पूछा, पहला ही सवाल था जी, उससे पहले कभी किसी ने उस तरह का सवाल पूछा नहीं, और सबसे बड़ी बात है कि पहले बंदे होंगे जो खुद जो है ना पूजा कर आ रहे हैं, बिल्कुल सही है, शौक की बात है ना, अपना पेट्रोल लगा के अपना टाइम लगा के, और इंशाल्लाह छानी भाई मैं आपको एक बात बताऊँ, बहुत जो है ना टफ सवाल है मेरे पास, बहुत समझे के वो जो ना बहुत मुश्किल सवाल है मेरे पास, अच्छा लेकिन वो भी करेंगे तो वो देखें कौन जवाब देता है, उसको भी ऐसे ही फिर वो बच्चों से नवा देंगे, ये जो जुबैर भाई बच्चे देंगे जरा जी, ये ऐसे ही हाँ ठीक होगा, वेरी गुड, ये कौन सा कमगर, ये कमगर है, ठीक होगा, पर दिखा दे यार सानी भाई, जरा पट्ठा है, वाह यार बंतर भी अच्छी है, ये नहीं ऐसे वैसे नहीं दी है, हाँ वेरी गुड, धुम भी बंद, हालांकि बच्चों की धुम बंद नहीं होती छानी भाई, ऐसे ही है ना, ऐसे ही ऐसे ही, आंख जरा दिखा दें, चीज भी प्योरिटी में दी है, तो क्रॉस भी नहीं है दोस्तों, अगर ये बच्चा आप किसी और साथ से लेना चाहें तो ये 25,000 का एक बच्चा है, वेरी गुड, ये 25,000 का एक बच्चा है, अगर आप किसी और साथ से लेने जाएं तो, दूसरी दिखाएं जरा, आप सही नहीं आ रहे, ठीक है,
वेरी गुड। ये दोपहर भाई के घर के हैं जी बच्चे, माशाल्लाह सही है। चले जी ऐसे दिखा दिया, वाह दूसरा भी दिखाएं जी, छानी वही है खुद ही वो दिखाएं जी। अच्छा जी ये पट्टी है जी, अच्छा एक ये टैडी पट्टी है जी, दूसरी आंख दिखाएं जी, या एक मिनट इधर करें, हाँ ये ठीक है। गुलाबी डोरा ये भी चल रहा है, हाँ जी वाह यार दोस्त, ये भी ना समझे कि ऐसे वैसे दे दिए यार। नहीं नहीं भैया ऐसे वैसे क्यों देने, जब जवाब इतना ऑथेंटिक था तो बच्चे भी इतने ऑथेंटिक ही होने चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है, 200 आगे भी हम सवाल रखेंगे इंशाल्लाह। आप जवाब देते रहना उनको, हमसे बच्चे लेते रहना। अब तो हम आ गया ना इधर, तो नेक्स्ट टाइम आप आएंगे कसूर। कसूर ये तो चलो करीब था, हाँ जी करीब था, आ गए हम। पर दिखा दे तो, पूरे बच्चे हैं जी, परियां देखें, पर देखें, दुम देखें, बंद दुम है, वेरी गुड। चेहरा मोरा दिखा दे ना, पहले ये आप चले दिखा दें। बच्चा पूरा है ना जी, पूरा हाँ। पूरा कोई ये नहीं, कमी नहीं है उसमें। ये देखें दुम, बंद दुम है, ये पंजे देखें जामुन और खुश्क पंजे नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही है। दोस्तों जो ब्यूटी में बच्चा होता है ना उसके पंजे काले होते हैं और चोंच भी काली होती है, बिल्कुल ऐसे ये दिमाग में रखना रखना बात, बिल्कुल ऐसे पंजे भी काले होते हैं और खुश्क होते हैं और चोंच भी काली होती है, बिल्कुल सही है, वो होता है ब्यूटी में, सही है। अच्छा ये बच्चे हाथ में रखे हैं जरा, मैंने तस्वीर खींच के ना लगानी है। लो जी बाज, अच्छा इतने मूवी नु खत्म करिए या अगे करनी है? आ दो बच्चे तुहाडे हाथ च है ना जी, दोपहर भाई माशाल्लाह, ए पठा जे ए पठी जे, वेरी गुड। टैडी एक टैडी के मगर मगर, ठीक हो गया ठीक हो गया। अच्छा दोपहर भाई जेड़े हुण कोई असीं सवार रखने मुश्किल जी, हुण कोई आएगा तो वह घर आएगा उत्थे कसूर डेरे ते, वेरी गल है। ए देखो बैलेंस, ए देखो ते हुण गल सुनो, जेड़ा बंदा आउणा है इतना तो वड्डा है ना, मादी छोटे साइज़ दी, जोड़ा लान जोड़ा ला दें, इन्हों उडाने उडा दें, इन्हों की मर्जी, ठीक हो गया सही है, उडाने डालन जोड़े लाने जोड़े ला दें। अच्छा मैं एक गल होर तुहाडे को पुछाना, बिल नहीं मैं तुहानू तस्वीर एक लैनी तुहाडी दोवां दी, इत्थे खत्म कर लंगा बस। मिसाल के तौर पर कोई जवाब दे दिंदा, होर कोई सवाल रखने आ, वह बिलफर्द पिंडी का या पेशावर का मरदान का या दूर के इलाके का, वह इन्हें बेचारा जिन्ने के बच्चे ने ਉਹਨਾਂ ਖਰਚਾ ਕਰਕੇ ਆਏਗਾ ਉੱਥੋਂ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਫਿਰ? ਸਰ ਬੱਚੇ 50,000 ਰੁਪਏ ਦੇ। ਅੱਛਾ ਅਗਰ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਤੋਂ ਜਾਂ ਪਿੰਡੀ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਲੱਗਣਾ ਸਾਰਾ 5,000 ਰੁਪਏ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ। ਓਕੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹੜੀ ਉੱਥੋਂ ਗੱਡੀ ਕਰਾ ਕੇ ਆਉਣਾ? ਸਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਬਹਿਣਾ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਚੱਲ ਵੀ ਲਾਹੌਰ। ਓਕੇ ਅਤੇ ਕੋਚ 'ਚ ਬਹਿਣਾ ਤਾਂ ਕਸੂਰ। ਸਹੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਕਿੱਦਾਂ ਮੁਕਸਦਾ ਦੇਖੋ, ਇਹ 50,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਆਮ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸਹੀ ਹੈ, ਉਸਤਾਦਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਉਸਤਾਦਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਘੁੱਗੀਆਂ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਹੀ ਹੈ ਸਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਬੱਚਾ ਬੈਲੈਂਸ ਦੇਖੋ, ਬੜਾ ਬੈਲੈਂਸ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਬਿੱਲ ਫਰਦ ਦੂਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸ਼ਾਨੀ ਭਾਈ ਸਰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਸ਼ਾਨੀ ਭਾਈ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲੈ ਲਓ ਮੈਂ ਲੈਣਾ। अच्छा वो ताड़ी दोवां दी लैनी, ताड़ी लानी, मैं अपनी तो मेरी लगती नहीं, पता नहीं की गल है यार। जनाब तुसी कैमरा लाओ ना, इत्थे ताई तुसी भी आइयो। नहीं 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 जिन्ना देखो जिन्ना इनाम दिता उन्हां दी लगनी चाहिए, जिन्ना इनाम हासिल किया अल्लाह ताला खुश रखे ना यार, बड़ी गल है यार। हाँ मैं कहना बड़ी बात है यार, बहुत हैवी सवाल सी ते बहुत हैवी बच्चे दे के जा रहे हैं, और बड़ा वड्डा सवाल जी, बड़ा वड्डा सवाल, बड़ा वड्डा सवाल जी, हर एक नूं ए पता है, लोकां नूं वड्डे वड्डे उस्तादां नूं, वड्डे ने बच्चे भी तो वे ने माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, जिहड़ा ना उड़ावांगे नहीं
ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗਿਫਟ ਆਇਆ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੱਖੇ ਸਾਡੀ ਵੀ ਰੱਖੇ ਆਮੀਨ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜ਼ਬੈਰ ਭਾਈ ਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮੈਂ ਫੇਰ ਹੀ ਜਾਣ ਦੇਣਾ ਜੋੜੇ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜੇ ਜੋੜੇ ਲਵਾਣਗੇ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੂਵੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦਾ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਜੋੜੇ ਲਾਣਗੇ ਆ ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਦੇਖੋ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਗਿਫਟ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਣਾ ਬੜੀ ਬਾਤ ਹੈ ਔਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਗਿਫਟ ਜਿੰਨਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਅਤੇ ਜਿੰਨਾ ਗਿਫਟ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੱਥੋਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਚਿਹਰਾ ਜਾਂ ਮੋਹਰਾ ਬਣਾਵਾਂ ਆਪਣਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਕਲ ਬਣਾਵਾਂ ਕਿ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਇੰਨੇ ਮਹਿੰਗੇ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਵਿਕ ਜਾਣੇ ਸਨ ਜਾਂ ਇੰਝ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਫਿਰ ਜਿੰਨਾ ਗਿਫਟ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਡਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਜੋੜਿਆਂ 'ਚ ਪਾਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਨਾਰੇ ਇੱਕ ਮਾਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੜੀ ਬਾਤ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਤੇ ਇੰਜ ਹੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜ਼ਬੈਰ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਰਲ ਕੇ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਮੈਂ ਤੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਭਾਈ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 15,000 ਰੁਪਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਦੱਸੋ ਨਾ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਆਏ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ ਐਜ਼ ਏ ਬੱਚੇ ਦੇਣ ਆਏ ਹਾਂ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮੂਵੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਸੁਲੇਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਸੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਪੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਫੜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਜ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ 15,000 ਰੁਪਏ ਭਾਈ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਉਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਇੰਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਸੁਹਾਜ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਆਇਓ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੂੰ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਂ ਭਾਈ ਸੁਲੇਮਾਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਟੁਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਦੇਖੋ ਨਾ ਦੋਸਤੋ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਅਲੱਗ ਹੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਅਗਰ ਇਹ ਭਾਈ ਦੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਮੇਰੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਭਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਸਿਸਟਮ ਮਿਲੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਬੰਦ ਕਰੋ ਹਾਂ ਜੀ 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 ਇਸ ਭਾਈ ਦੀ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਮੈਂ ਨਾ ਮੰਨਾਂਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਜੈਸਾ ਤੇ ਬਗੈਰ ਬੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟ ਸਕਦਾ ਇਸ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੇ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਜ਼ਿਹਨ ਬਣਾ ਕੇ ਕਾਲ ਕਰੇ ਕਿ ਸੁਲੇਮਾਨ ਭਾਈ ਨੇ ਫਿਰ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 20-25,000 ਰੁਪਇਆ ਖਰਚਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਫਿਰ ਹੀ ਉਸਤਾਦ ਬੈਨ ਰਗੋ ਆਣਾ ਜੀ ਵੈਰੀ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੋਰੀ ਮੁਹੱਬਤ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾ ਇੱਕ ਭਾਈ ਸੁਲੇਮਾਨ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਵੀਡੀਓ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਲਾਈ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਾਲ ਆਈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸੱਜਿਓ ਖੱਬਿਓ ਧਮਕੀਆਂ ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬੰਦ ਕਰਾਈਏ ਤੂੰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਲਾਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਬੜੀ ਬਾਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਸੀਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਮੋਹਤਰਮ ਨੇ ਵੱਡੇ ਨੇ ਕੁਛ ਉਹ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਸਾਡਾ ਤਲਕ ਵਾਸਤਾ ਹੈ ਜੀ ਕੁਛ ਸਾਡੇ ਉਸਤਾਦਾ ਕਰਾਮ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਭ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੇ ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਹਾਂ ਔਰ ਭਾਈ ਸੁਲੇਮਾਨ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਗਏ ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਮੈਂ ਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਣਾ ਆ ਛੱਡ ਦੇਣੀ ਫਿਰ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਛੱਡ ਦੇਣੀ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਛੱਡ ਦੇਣੀ ਇੱਕ ਲਗੀਰ ਇੱਕ ਦੋ ਤਿੰਨ ਲਗੀਰਾਂ ਮਾਰ ਦੇਣੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੇਕ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਮੈਂ ਅਗਰ ਸ਼ੋਅ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਗਿਫਟ ਦੇ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿ ਸੁਣ ਫਲਾਂ ਸਵਾਬ ਨਾ ਐਡੇ ਦੂਰ ਆਣਾ ਆਪਣੇ ਬੁੱਢੇ ਜੋ ਬੱਚੇ ਕੱਢ ਕੱਢ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਿਫਟ ਦੇ ਰਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਚਾਨੀ ਟਾਈਮ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰ ਰਹੇ ਜੋੜੇ ਲਾ ਕੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜੀ ਸਾਰੇ ਕੁਆਲਟੀਆਂ ਦੱਸਣਾ ਪਿਆ ਮੈਂ ਕੋਈ ਪਾਗਲ ਹਾਂ ਜੀ ਜੀ ਕਿਸੇ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਵੱਢਿਆ ਸਿਰ ਮੈਂ ਸਵਾਸੇ ਕਰਨਾ ਕਿ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਤਾਂ 5-6 ਕਰੋੜ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਹਾਂ ਹਾਏ ਹਾਏ 5-6 ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਕੇ ਨਾ ਦੋਸਤੋ ਫਿਰ ਨੌਲੇਜ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਮੈਂ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕੋਸਟ ਨੌਲੇਜ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਜ਼ਾਇਆ ਨਾ ਹੋਣ ਤੁਸੀਂ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਫਰੋਖ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਦੇਖੋ ਵਧੇ ਨਹੀਂ ਸ਼ਕੀਨਾ ਵਾਸਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸ਼ਕੀਨਾ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੌਦਾ ਕਰਾਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਲਮ ਹੈਗਾ ਜੀ ਜੀ 99% ਸੌਦਾ ਕਰਾਮ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਰਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ ਪਿਛਲਾ ਬਰੈਗ ਰਿੰਗ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਕਾਰ ਰਿੰਗ ਹੈ ਨਸਲ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦਾ ਉਹਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਕੀ ਹੈ ਜ਼ਰਿਆਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਕੀ ਹੈ ਬਰੀਕ ਮੋਟੇ ਕੀ ਜ਼ਰਾਤ ਦਾ ਪੁਤਲੀ ਵਾਲ ਝੁਕਾਓ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਹਰ ਝੁਕਾਓ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਖਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਸਾਰੇ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਔਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਰੱਖਿਆ ਇਹ ਮੈਂ ਹੀ ਸਵਾਲ ਰੱਖਿਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਕੇ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਸਵਾਲ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਵਾਹਦ ਰਾਜਾ ਕਾਮਰਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜ਼ੈਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣਾ ਜ਼ਬੈਰ ਭਾਈ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਉਸਤਾਦ ਜ਼ਬੈਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਐਂਕਰ ਨੇ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਐਂ ਨਾ ਸਮਝਣਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੀ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਨੇ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਬਰੀਡ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਕਰਾਂਗਾ ਉਸਤਾਦਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸਤਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਚੱਲ ਯਾਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਨਾ ਕਰੀ
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੇਟ ਮੈਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਚਲੋ ਖੈਰ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਵੰਡ ਅਪ ਕਰੀਏ ਇੱਥੇ ਜੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਜੋੜੇ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਕਹਿ ਲਾਂ, ਜੋੜੇ ਲਾ ਲਓ ਚਾਨੀ ਦੇ ਬਾਈ ਦੇ, ਜੋੜੇ ਤੇ ਲਾ ਦੇਣੇ ਕਿ ਸਵਾਲ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਅੱਛਾ, ਲੋਕ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਤੇ। ਓਕੇ, ਆ ਚਲੋ ਜੀ, ਅਗਲੇ ਫਿਰ ਤਿਆਰ ਰਹੋ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਂਜੀ, ਦੋ ਬੱਚੇ ਪੱਠੀ ਪੱਠਾ ਗਿਫਟ ਮਿਲੇਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਗਰ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਹਾਂ, ਅਗਰ ਲਾਹੌਰੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਲਾਹੌਰ ਆ ਕੇ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਕਸੂਰ ਰਾਈ ਪਿੰਡ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਕਰੀਬ ਕਰੀਬ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਦੇ ਕੇ। ਕਸੂਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਰਾਈ ਪਿੰਡ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਦੋਸਤੋ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕਬੂਤਰ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਅੱਖ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹੈ, ਓਕੇ, ਅੰਡੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹੈ, ਓਕੇ, ਜੋੜ ਵੀ ਤੰਗ ਹੈ, ਓਕੇ, ਪੂਛਲ ਵੀ ਬੰਦ ਹੈ, ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਛਲ ਵੀ ਬੰਦ ਹੈ, ਅੰਡੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹੈ, ਜੋੜ ਵੀ ਤੰਗ ਹੈ, ਅੱਖ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਾਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਪੂਰੀ ਹੈ, ਓਕੇ, ਜੋੜਾ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਜੋੜੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਠੱਪੇ ਕਿਉਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਨਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 5 ਵਜੇ ਬਹਿ ਰਹੇ, ਓਕੇ, ਮਾਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 7 ਵਜੇ ਬਹਿ ਰਹੀ। ਹਾਂ, ਆਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜੋੜਾ ਲੱਗੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਉੱਡਣ, ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਉੱਡਣ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਨੁਕਸ ਕੀ ਹੈ? ਨੁਕਸ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਨਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 7 ਵਜੇ ਬਹਿ ਰਹੇ, ਮਾਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 7 ਵਜੇ ਬਹਿ ਰਹੀ, ਦੋਵੇਂ ਜੋੜਾ ਲਾਤ ਹੈ। ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਭਾਈ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਸੀ 7 ਵਜੇ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਫੜੀ ਸੀ 10 ਵਜੇ ਮਾਦੀ, ਜੋੜਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ, ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੋੜਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਨਾਬ ਇਹ ਜੋੜਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਅੱਗੋਂ ਬੱਚੇ ਨਿਕਲ ਆਏ, ਬੱਚੇ ਨਿਕਲ ਆਏ ਠੱਪੇ, ਬੱਚੇ ਗੇੜਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ, ਕਿਉਂ? ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੱਠੀ ਪੱਠਾ ਗਿਫਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਰਾਜਾ ਕਾਮਰਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਹੱਕਦਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਅੱਛਾ ਬਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ? ਹਾਂਜੀ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਨਾ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਫਟ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਫਟ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਅਗਰ ਦੇ ਦਿਓਗੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਫਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਦੁਬਾਰਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੰਡੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਮੁੜ ਮੁੜ ਆਪਣਿਆਂ ਵੱਲ। ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਂ ਹਾਂ, ਇਹ ਕਮੈਂਟਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਮੈਂਟਸ ਵੀ ਨਾ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਮੈਂਟਸ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਫੋਲੋ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਸਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਤੇ ਉਂਝ ਫੋਨ ਤੇ ਛਾਨੀ ਭਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇਣ। ਅਗਰ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਪਲੰਟੀ ਪਵੇਗੀ, ਪਲੰਟੀ ਪਵੇਗੀ। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੜਾ ਨਾ, ਹੁਣ ਵਾਰ ਵਾਰ ਤਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ, ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਉਸਤਾਦ ਜ਼ਰਾਟ ਹੋਣੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਹ ਦੋਸਤੋ, ਵੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਆਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿਓਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਚੱਲੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋਗੇ, ਸਵਾਲ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਸਿੱਧਾ ਪੱਧਰਾ ਕਰੋਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਬੂਤਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 7 ਵਜੇ ਬਹਿੰਦਾ ਜਾਂ ਮਾਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ 10 ਵਜੇ ਬਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜੋੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾਇਆ ਤੇ ਬੱਚੇ ਠੱਪੇ ਕਿਉਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ? ਬੱਚੇ ਪਰਵਾਜ਼ੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ? ਠੀਕ, ਬੱਚੇ ਜੋੜੇ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ? ਓਕੇ, ਬੱਚੇ ਠੱਪੇ ਠੱਪ ਠੱਪ ਠੱਪ, ਹਾਂ, ਉਹ ਗਿਆ ਜੇ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਇਧਰੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਧਰੋਂ ਜਾਏਗਾ ਜਾਲ ਦੇ, ਜਾਲ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਬਸ। ਹਾਂ ਬਸ, ਬਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਗੱਲ ਜੇ, ਇਹਦਾ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਮਿਲਣਾ ਜੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਕੈਚ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਸਕੈਚ ਵਾਲੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉਸਤਾਦ ਹੋਣਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਕਈ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ, ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਣਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਜੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਜਵਾਬ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰੋਗੇ, ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ ਤੇ ਜੋੜਾ ਲਵਾਓ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵੋ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਲਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਆਹ ਜੋੜੇ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਉਸਤਾਦ ਭਾਈ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ, ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ, ਵੇਖੋ ਨਾ ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬ ਵੱਡੇ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ, ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਫੋਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੁਣੇ ਨੇ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ ਬਾਹਰ, ਚਲੋ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਿਹਤ ਦੇਵੇ। ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ। ਲਓ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ, ਅੱਲਾਹ ਸੋਹਣੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ, ਤੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਦੋਸਤੋ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਜੋੜਾ ਗਿਫਟ ਲਓ ਮਿਲਣਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ, ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ, ਰਾਈ ਪਿੰਡ ਕਸੂਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਰੀ। ਤੇ ਜੇ ਬਾਹਰ ਕਿਧਰ ਦੱਸੋ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪ ਆਓ, ਕਿਉਂ ਜੀ, ਦੂਰੋਂ ਆਉਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪ ਆਓ। ਓਕੇ ਜੀ, ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼, ਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ।